हाय, दिस इज सुभाष और मेरे साथ है प्रिंस जो कि पंजाब से हैं और हम जा रहे हैं केदारकंठ ट्रेक के लिए जो कि 6 डेज और 5 नाइट्स का है विथ अ ट्रेक कंपनी कॉल्ड वंडरऑन। और हमारा जो ये ट्रेक है ये दिल्ली से दिल्ली तक का है और हम रेडी हैं अपने बैग के साथ, जैसे ही कैब आता है हम निकल जाएंगे। सो कुछ घंटों के सफ़र के बाद हम अगली सुबह देहरादून में थे। बस से उतरने के बाद कैप्टन करन ने हमें आज के पूरे प्लान के बारे में ब्रीफिंग दी। यस सर, एमसीसी का बोले सर। अभी 5 बजे 6 बजे के राउंड हमारी ट्रैवलर रहेगी, तो उस के टाइम पे एक यहाँ आईएसबीटी करके यहाँ पे जगह है, वहाँ पे सब अपने रक्षक रख देना एक जगह, ठीक है। वहाँ पे मैं आऊँगा, उसके बाद आगे बाकी मतलब थोड़े स्नैक्स वगैरह, जिसको फ्रेश होना हो, चाय वगैरह पी लेना। देन उसके बाद 5:45 तक उसी पॉइंट पे आ जाना सारे, ताकि वहाँ से हम गाड़ी से चल सकें, ठीक है। अभी गाड़ी का ऐसा है, एक ट्रैवलर है और एक वो है बलेरो, तो जो 11 लोग साथ आएंगे वो ट्रैवलर में हो जाएंगे और जो 5 लोग अलग थे उसमें आ जाएंगे बलेरो, ठीक है। कोई डाउट वगैरह है अभी? ले दो। सबको ठीक है, यहाँ से बस 100 मीटर दूर है एसबीटी, वहाँ पे बैग वैग रख देंगे। उसके आसपास ही पूरी मार्केट है, खुली भी होगी, कुछ अगर रह रहा है आप लोगों का तो वो भी ले लेना वहाँ से। और एक थिंग और मेरे को आज बोलनी है, कि ऑल आर हेयर फॉर एडवेंचर ट्रिप, तो यहाँ पे लग्जरी के लिए तो नहीं आया ना, तो यहाँ पे लग्जरी वगैरह होगा। सो एट दिस पॉइंट सांकरी इज़ वेरी आइसोलेटेड प्लेस, 10 घंटे के आसपास हमारी जर्नी होगी और बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड गाँव है, वहाँ नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं आते हार्डली टू हार्डली। ये पकड़ चलता और कुछ घंटों के राइड के बाद हमारा पहला ब्रेकफास्ट ब्रेक होता है एट मसूरी। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया,
बैठ जा भाई। अजब है दीवाना ना डर ना ठिकाना जमी से बेगाना पलक से जुदा ये एक टूटा हुआ तारा ना जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा सबका सहारा ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का सफर में है ये बंजारा ना जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा बेटा दस होगा तो दस ही पर दिखा देना मुझे रही होगा राजा है दस ये ग्यारह क्या भी होगा चल रही है सुबह उसको देखिए क्योंकि मैं जल्दी से जा रहा हूँ ऐसे बिंगी है भाई लेकिन बिंगी है पूरी पूरी बिंगी कितना पूरे ट्रैक का 500 है एक का बच्चे तो अभी बच्चे भैया पोंचो रखे हो क्या पोंचो भी है सर कितने का 100 rupees का एक दे दो एक दो भैया ये तो दे दो भैया दो यार ये दो जूता का लेंगे अभी देखते हैं एक और एक दो ये लो जी बढ़ने दिया भाई ने अब क्या भाई चलेगा ना कोई कौन सा पूछो जो टंग रहा आपके सामने बगल में बॉडी कवर भी हो जाता है बैक कवर भी हो जाता है मतलब ये थोड़ा वो वाला होता है अलग अलग क्वालिटी में आते हैं ये देखो पड़ता नहीं अच्छा है ये सही रहता है सबसे बेस्ट है ये यूज कर रहे सब लोग ये एक तो लेबल निकाल के दिखा रहा है अपन नई बनी देख नहीं रहा स्टोरी ऑफ ट्रैक लीडर हमने दो स्टिक खरीद लिया मैं ब्लैक लूंगा भाई ये बात गलत है अच्छा सर ब्लू ले लिया नहीं ले नहीं मैं ब्लू ले लिया नहीं मैं ब्लू ले लिया मैं ब्लू ले लिया चलो क्या दो घर चलो जल्दी ट्रेलर आ गया क्या बताएगा जूते का देख यार ये पैंट ना भाई से निकल गई है ना मार्च के समय इसमें फोन डाल रहा हूँ ना ठंडा थोड़ी लग रहा है ये देखिए वाली ये हो गई ठीक है भाई ये खोल के देखे ना भाई हाँ खोल के देखो पैक कर देना
से पैक कर ले। उसे तो रेंट पे दे के ले, वो तो रेंट पे दे ही नहीं रहा, तो वही की दिक्कत है। हम तो वो ले लेते, वो हिमालय में से पूछो ना, वो कार वाला से चला के देख लेते हैं। वो ड्राइवर है भाई, वो नहीं करेगा। अबे ले ले यार, एक बार बता दो, बहुत तेज बारिश हुई ना, ये बचाएगा ना वो बचाएगा। अरे हल्की बहुत स्मोक पड़ा है, दोनों बचाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सामान आ जाएगा वापस। ये जूता अपना, फोन छो ले, गोल्फ ले ले। वो बाहर सॉक्स जो टांगा हुआ उलन का, वो कितने का? 250 रुपए का सर। कौन से वाले जूते का? मुझे 1500 रुपए भी है। 1500? हाँ जी, ये 1000 आपका रेंट हो गया, 500 रुपए आपका डिपॉजिट है। अच्छा ठीक है, तो आपका स्टिक हो गया तो 800, तो ये हो गया 500 रुपए। 2500 रुपए दे दो मुझे टोटल। गोल्ड पैक नहीं है, सिगरेट कोई चीज नहीं है। बैठे सर आप भी। ये भैया कुछ भी दिस इज अ व्यू फ्रॉम आवर होम। सही है, वो ऊपर वाला मेरा बैग, नीचे प्रिंट्स शूज दैट वी हैव टेकन फ्रॉम रेंट। This is our bed for tonight, and this is basically washroom, geyser, neat and clean. Yeah, it's neat, almost good view. Awkward, Arvind. Awkward, Arvind. I'm from Bangalore. I'm in business. Stationery.
अरविंद सेक्सी साहिल एंड आई एम विक्ट्री विजय फ्रॉम बैंगलोर याद भूल गया बातें कर लो याद भूल गया अगर जो गलत बताएगा ना 10 क्वेश्चन करेगा क्या 16 मिनट चलो बता भैया प्रिंस भाई आपकी बारी मार्वलस मधु उसके बाद क्या एडवेंचरस अजय रॉयल ऋषभ ऑकवर्ड अजय अरविंद अरविंद ठीक है उसके बाद सेक्सी साहिल साहिल विजय पोलाइट प्रिंस काइंड कौन अपना बोल खुद का रियल रशियन क्या सर रियल रशियन रियल बाकी सब फेक है बाकी सब रियल रशियन रॉयल ऋषभ बताना ऑकवर्ड अरविंद सेक्सी साहिल तेरा सबको याद है विजय पोलाइट प्रिंस काइंड कुंज रियल रशियन मैड मेंटल मेंटल मोहित एंड हम्बल हर्ष मार्वलस मधु इधर ही गया हम सबको पता है कौन सी ट्रिक पे है हाइट पता है कि हम किस मैक्सिमम हाइट पे 12,500 गुड सो दिस इज अ बेसिक जगह पीक केदारकंठा इज अ पीक जो चमोली हो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आती है उत्तराखंड में सो वी आर राइट नाउ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इन सांकरी विलेज जो उसका बेस कैंप है और 12,500 फीट पे हमारा समिट है जो हम थर्ड डे ऑफ द ट्रैक पहुंचते हैं ठीक है सो उससे पहले कुछ भी स्टार्ट होने से पहले किसी को हाई एल्टीट्यूड के बारे में कुछ पता है तो प्लीज बताइए उधर कानों में प्रेशर बहुत हाई एल्टीट्यूड हाई प्रेशर होता है लो व्हाट इज द हाई एल्टीट्यूड नहीं है बट बिकॉज ऑफ विंटर यहाँ पे ठंड है ठीक है उसके बारे में बाद में आते हैं सो बेसिकली मैं पहले आइटनरी बता देता हूँ आइटनरी क्या रहेगी हमारी कल हम सुबह चलेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे जूड़ा का ताल जूड़ा के ताल से फिर नेक्स्ट डे ऊपर निकलेंगे नेक्स्ट डे जुड़ा यहाँ से जुड़ा का ताल स्टीप क्लाइंब है 6,500 से हमें 9,000 के अराउंड पहुंचना है तो वी नीड टू असेंड एटलीस्ट 2,500 फीट बहुत होता है वो सो देयर इज अ स्टीप क्लाइंब प्रिपेयर मेंटली अकॉर्डिंग टू दिस कि हाँ थोड़ा स्टीप क्लाइंब है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है वो अभी हम डिनर के टाइम पे बता देंगे फिर उसके बाद जुड़ा के ताल से हम जाएंगे केबीसी केदारकंठा बेस कैंप विच इज एट 11,200 समथिंग फीट ठीक है अगेन स्टीप क्लाइंब All thing covered with the snow. आपको कल भी स्नो सबसे पहले कल ही स्नो मिल जाएगी बट कल आधा ट्रैक आपका ऐसे जंगल में होगा आधा ट्रैक स्नो में होगा बट कल से जो परसों मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे वो पूरा का पूरा स्नो में होगा तो वहां से फिर हम केबी से पहुंचेंगे देन केबी से नेक्स्ट डे हमारे को 2 उठना है 2 AM वेकअप कॉल है उसका देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि हम जब पीक सबमिट करते हैं वो क्यों करते हैं देयर इज अ आइस यू नो डिफरेंस बिटवीन स्नो एंड